अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रूही न्यूज़ के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जावेद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर के नवाही इलाके कलामपुर वाले में वॉलीबॉल के मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें दो टीमों ने शिरकत की। एक टीम तौंसा शरीफ की और एक टीम लैया की थी। दोनों के दरमियान काफी कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें बहुत से खिलाड़ियों ने शिरकत की। लैया की टीम को तौंसा शरीफ की टीम ने 5 गोल से शिकस्त दी और जीतने वाली टीम को मेडल दिए गए और ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाले गए और उन्हें बहुत से इनाम से भी नवाजा गया। इस मौका पर इलाका मकीन बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस इलाके में खेलों को बहुत कम तरजीह दी जाती है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों को खेल के मैदान दिए जाएं और बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाए। यूनियन कौंसल पीर बख्श शर्की ने भी स्पोर्ट की। इसमें मेहमान खसूसी सरदार अब्दुल अजीज खान दरेशक और मियाँ इनायतुल्ला, सैयद मुनवर शाह, जुल्फकार अली चौहान, इम्तियाज सयाल, मलिक जमशेद बोहर ने शिरकत की। जीते हुए खिलाड़ियों को गले लगाया और फूलों के हार पहनाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। डिप्टी ब्यूरो चीफ जावेद अली, फाजलपुर। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रूही न्यूज़।